वहीं सिरोंज का शासकीय अस्पताल नगर से करीब 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बना है, जिस तक पहुंचने के लिए मरीजों को और परिजनों को ऑटो से जाना पड़ता है। यह सारे ऑटो अस्पताल कैंपस में खड़े रहते हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सभी ऑटो पुलिस की मदद से गेट से बाहर खड़े करवा दिए। इससे ऑटो वाले नाराज होकर बीएमओ के खिलाफ नारेबाजी कर आरोप लगाया कि कैंपस में खड़े होने वाले हर ऑटो वाले से 500 रुपए मांगे गए, जब नहीं दिए गए तो ऑटो अस्पताल के गेट से बाहर खड़ा करने का बोल दिया। वहीं पुलिस बुलाकर सारे ऑटो गेट से बाहर किए गए। ये यहाँ पर जो ऑटो रिक्शा अंदर खड़े होते थे उनसे बीएमओ द्वारा कमीशन मांगा जा रहा है। हर ऑटो से 500 रुपए महीने की मांग की गई है। जहाँ पर मुझे पता चला वो ऑटो बाहर खड़े करवा दिए, ऑटो वालों ने मना कर दिया पैसे देने से, तो ऑटो बाहर खड़े करवा दिए पुलिस के द्वारा। ये जहाँ पर तानाशाही की जा रही है, अभी एक बहन हमारी डिलीवरी हुई यहाँ से वहाँ तक कम से कम 200-300 मीटर तक जो है पैदल वहाँ तक गई माता बहन है वो। ये अस्पताल का रवैया, यहाँ पर किसी कोई शासन की योजनाओं का लोगों को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ लूटमार चल रही है चारों तरफ से, और ये ऑटो वालों को बाहर कर दिया गया है। ऑटो वाले बेचारे अपनी रोजी रोटी यहाँ से कमाते थे, यहाँ पर गेट पे ला के मरीज को उतारते थे, यहाँ से ले जाते थे। अब मरीज जहाँ से गेट से बाहर तक जाएगा और बाहर से यहाँ तक आएगा, चाहे मरीज से चलने की स्थिति हो या ना हो, ये तानाशाही यहाँ पर चल रही है बीएमओ द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पे सिरोंज हॉस्पिटल कैंपस में लगातार ऑटो और प्राइवेट एम्बुलेंस अंदर आ रहे थे, कैंपस के अंदर आ रहे थे, जिनको हटाने के लिए पहले भी यहाँ पे हमारे द्वारा नोटिस दिए गए थे और नोटिस चस्पा भी किए गए, किंतु इनके द्वारा लगातार ऑटो और एम्बुलेंस अंदर खड़ी की जा रही थी, जिसके कारण मरीजों को, परिजनों को एवं स्टाफ को बहुत समस्या हो रही थी। इस कारण हमारे द्वारा पुलिस अधिकारियों से चर्चा की गई, उनके द्वारा आज कार्रवाई की गई है। उन्हें कहा गया कि आप हॉस्पिटल कैंपस से बाहर ऑटो स्टैंड बनाएं और वहाँ पर